आई थिंक कमज़ोर पड़े हैं इसमें। कितने साल हैं आपको? आई थिंक मैं तो 3 या 3.5। I would rate 3 or 3.5 star to Harry, जब Harry met Sally. Bro, you saw, okay sir, you saw the film, how's the film? I mean, one time watch, I would say. कुछ खास पसंद आया? कुछ खास नहीं, I mean, typical romantic movie. And that Shahrukh combination, excuse me? इसमें जमा नहीं ऐसा लगा, probably. क्या क्या खास लगा आपको film में? Film में I think nothing ऐसा special. Acting I think good थी बस. Chemistry of Shahrukh and Anushka? हाँ, that was best I think. Music अच्छा? Music okay okay. क्या बुरा लगा film? बुरा एज इन कि अच्छा नहीं लगा कुछ मोटा मोटा एज इन इट वॉज टिपिकल बॉलीवुड काइंड ऑफ मूवी। इम्तियाज के बारे में क्या कहेंगे डायरेक्टर? आई थिंक उनके लेवल से काफ़ी लो था, उनके लेवल से काफ़ी। 5 में से 3। फिल्म देखी आपने जब हैरी मेट सेजल? हाँ मैं देखी, बट मूवी ने इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए, और जो स्टोरी नहीं थी मूवी में जो पुरानी, और जो गाना था, शाहरुख सर को ये मूवी नहीं करना चाहिए था क्योंकि पैसे के लिए मूवी की है, बट ये बहुत बेकार मूवी है। मतलब ऐसे डायरेक्टर के साथ तो ये मूवी नहीं करना चाहिए उनके साथ। ओके, फिल्म में क्या अच्छा लगा? अच्छा कुछ नहीं लगा, सही बता रहा हूँ मैं, बस लोकेशन अच्छा लगा, लोकेशन सही थे, बट स्टोरी भी नहीं है, स्क्रीन प्ले मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी मूवी। ओके, इम्तियाज अली और शाहरुख साथ में कुछ खास कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, बेकार है बस उनका रॉक स्टार और जब वी मेट दो मूवी अच्छी है, इसके बाद कोई मूवी अच्छी नहीं लगी। मैं तमाशा भी सही नहीं थी, बेबी मूवी सही नहीं, सेम जस्ट लाइक थोड़ा सा तमाशा से मिल रही थी। जब तमाशा बनाए थे दोबारा ये मूवी बनाने की क्या जरूरत थी? कोई मूवी जरूरत ही नहीं थी। ओके, शाहरुख और अनुष्का की जोड़ी? जोड़ी सही है, बट ये मतलब बट स्टोरी नहीं ना कुछ वो दिखा नहीं पाए। कितने स्टार? 2 स्टार। वो भी दो स्टार दूंगा। हेलो 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 हेलो, हाउ यू लाइक द फिल्म? बताना तो पड़ेगा बस। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ थोड़ा बोरिंग था। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ थोड़ा, हाँ सर फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ थोड़ा बोरिंग था। परफॉर्मेंस शाहरुख का परफॉर्मेंस एक नंबर था, एक्टिंग एक नंबर थी, अनुष्का की एक्टिंग अच्छी थी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में थोड़ा वो स्टोरी मैच नहीं हुई इतनी अच्छी, इतना फील नहीं आया सेकंड हाफ में। ओके, केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहिए? केमिस्ट्री तो बढ़िया, एक नंबर बढ़िया। अच्छा, इम्तियाज अली और शाहरुख खान एज ए डायरेक्टर क्या क्या कहें? बहुत सही, बहुत सही। डायरेक्शन तो एकदम सही था, कैमरा एंगल्स, वीडियो क्वालिटी सब बहुत एकदम बढ़िया था। सॉन्ग्स ज़्यादा डाल दिए, 6-7 सॉन्ग्स डाल दिए, और ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया था पहले, तो स्टोरी तो पता चल गई थी पूरी, ज़्यादा कुछ स्टोरी में ये कोई नहीं। ओके, 5 में से कितने स्टार दें? 5 में से 2.5। शाहरुख इज ऑफ कोर्स वेरी गुड, केमिस्ट्री ऑफ अनुष्का, ऑफ कोर्स व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी? That they've actually conducted, you know, that they've stuck through the moral, that is what you seek, seeking you. That is nice. Okay, the music of the film. Yeah, amazing. Do you think this is Imtiaz Ali one of the best? Yes. The combination of Imtiaz and Shahrukh. Yeah. What is the best part you like about the film? The entire film is really, really good overall. I don't know. I'm very happy after seeing the film, so I don't think I'll be answering any. Okay, how many stars you want to give? 10. Okay, thank you. Very good. Okay. Just one more. Thank you, Imtiaz Ali. Thanks, Imtiaz Ali. That's it. He's the best storyteller. Okay, the Shahrukh and Anushka comment. Very good, very good, very good. What do you think the best part of the film is? The way of storytelling, chemistry between Anushka and Shahrukh, music, everything. Okay, do you think you know Shahrukh and Imtiaz jodi works? Yeah, it works. It worked really well. Okay, anything else about the film? Nothing. Just Imtiaz Ali. The film, the way he told the story is amazing. Okay, the music of the film. Music is also good. Nooran sisters, they are really good. Preetam, very good. Out of 5 stars, how many stars did you get? 4.5. Where you saw the film, how was the film? It was really good. Really good. The storytelling of Imtiaz Ali, it is obviously very, very good. And the performance of Shahrukh, we have Anushka. Everything is more than up to the mark. Everything is more than perfect. As an audience, did you feel the connect between? Exactly. I feel the connect between the Anushka and Shahrukh and audience. Harry Met Sejal में ये खास है कि जो भी सिनेमा दिखाया गया वो बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेमा है, कोई फेक मतलब ऐसी बातें जो असली में हमारी लाइफ में होती हैं वैसी चीज़ें हैं, कोई ऐसे एस्केपिस सिनेमा नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुष्का का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट है। स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे आप? स्टोरी कितनी सेटिस्फाइंग है? स्टोरी सिंपल है पर रियल है। ओके,
ओके कितना स्टार देंगे पांच में 4.5 थैंक यू वन लास्ट वन लास्ट मूवी इज गुड क्या फिल्म है हिंदी में बोलें क्या मूवी बहुत अच्छी है रिवॉल्व कर रही है वही फैक्ट के ऊपर कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू या इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड सारा एंटरटेनिंग है मूवी बहुत ज्यादा शाहरुख ज्यादा अच्छे लगे हैं शाहरुख इज लुकिंग वेरी गुड लाइक वेरी गुड एट दिस एज ही इज जस्ट Slaying it, she's slaying the game. क्या आपको पुराने शाहरुख की याद आई जो बहुत romantic फिल्में करते थे और नहीं मतलब शाहरुख तो हमेशा वही शाहरुख ही रहते हैं in every kind of movies जो जो भी उनका romantic रहता है you'll get to see his charm his the you know बादशाह of romance charm बहुत बहुत सूट कर रही थी एज अ गुजराती उनका बहुत सही था एंड में पंजाबी वाला अटायर में शी वाज स्लेइंग इट इट वाज ग्रेट कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगा हवाएं अच्छा था बटरफ्लाई भी बहुत अच्छा था कितने स्टार दिए 3.5 बोलिए हैरी मिक्स सीरियल का मतलब हैरी मिच जब हैरी मिच सीरियल को मैं 3.5 स्टार्स दूंगी थैंक यू द मूवी इज वेरी वेरी गुड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच इम्तियाज अली बैक ऑन डायरेक्शन So and Shah Rukh Khan obviously has done an incredible job. So yeah. Chemistry between Anushka and Shah Rukh. It's a very very beautiful chemistry which they portrayed very well on screen. And the songs are like you know it goes very well with their chemistry. So it matches well. Okay, what is the best part of the film? The end part. I really don't want to give out the conclusion of the film. So but the end part is very beautiful. So probably everyone should look up to it. Okay, what is your take on the music of the film? It's very nice. It's enriching. It's something different. So you get engrossed in the music. It's not a boring thing. As Do you connect with the story? Yes, yes, definitely. It's a very, very, very nice story. Anyone could connect actually. Not only someone who's fallen in love before or something, but something you would look forward to. Okay. Definitely, I'll give a 5-star. Thank you so much. Thank you. कैसी लगी फिल्म आपको? क्या कहना चाहेंगे शाहरुख के बारे में? शाहरुख के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है. वो तो बहुत फेवरेट है. और शाहरुख और अनुष्का की दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी. लव स्टोरी भी बहुत अच्छी थी. पिक्चर भी बहुत अच्छी थी. और मैं 4 दूंगी. ओके थैंक यू. हैरी और सेजल की जोड़ी अच्छी है. सबसे बड़ी बात हैरी और सेजल की जोड़ी बहुत अच्छी है. सेजल का रोल इसने जो किया है वो एक गुजराती गर्ल का रोल है और बॉम्बे की भाषा में जो गुजराती गर्ल जिस तरह का वर्तन करती है वो दिखाया इसमें. शाहरुख खान एकदम प्योर पंजाबी लगता भी है. शाहरुख खान लगता ही है कि पंजाब का कोई 40 साल का मुंडा हो. उसने बॉडी भी बहुत उतारी है इस पिक्चर के लिए उतारी और जो भी हो और बहुत अच्छा रोल किया. और स्टोरी वाइज कैसे रेट करेंगे फिल्म को? कुछ खास था फिल्म स्टोरी में? कुछ दम नहीं है. ये खाली फिल्मांकन अच्छा है और विदेश यात्रा जो उन्होंने कराई है अच्छी. स्पेन और ये और वो सब दिखाया है उसमें. लोगों को मज़ा आता है. हमें भी मज़ा आया और बहुत अच्छा सीनरी है सब. इम्तियाज अली के डायरेक्शन को कैसे रेट? इम्तियाज अली का डायरेक्शन वेरी गुड. उसमें कोई दो राय है ही नहीं. इम्तियाज अली का डायरेक्शन अच्छा ही रहता. 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से 4. थैंक यू सो मच सर.